सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। 11 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के ऊपर सचिवालय थाने में मामला दर्ज हुआ है। झारखंड की रहने वाली महिला के बयान पर FIR दर्ज की गई है। महिला का आरोप है कि 11 साल पहले वो पटना आई थी किसी काम को लेकर के। काम करवाने के बाद वो स्टेशन पहुंची जहां पर असामाजिक तत्वों ने उसे परेशान करना शुरू किया। वहां पर दानिश रिजवान पहुंचे। महिला का कहना है कि दानिश रिजवान उस समय किसी टीवी चैनल में काम करते थे। महिला को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से उसको लेकर के एक रूम पर गए और वहां पर दानिश रिजवान के द्वारा उस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। महिला ये आरोप लगा रही है दानिश रिजवान पर कि पहले दानिश रिजवान उसके लिए और अपने लिए खाना मंगवाए, खाना खाने के बाद महिला नशे में आ गई और फिर उसके साथ दानिश रिजवान ने दुष्कर्म किया। किसी तरीके से महिला जो है सुबह में जान बचा करके वहां से निकली और रांची पहुंची, लेकिन महिला का कहना है कि किसी मामले में उसे जेल जाना पड़ा और फिर महीनों के बाद पता चला कि उसके पेट में बच्चा है। महिला ये आरोप लगा रही है कि वो बच्चा दानिश रिजवान का है। तो 11 साल पहले का ये मामला है और अब खुलकर के मामला सामने आया है तो इस पर सियासत भी बहुत तेज हो गया है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के ऊपर ये बड़ा आरोप है कि उन्होंने 11 साल पहले झारखंड की आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म किया था। अब इस पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष सुमन से जब मीडिया ने पूछा कि आपके प्रवक्ता के ऊपर इस तरीके का आरोप लग रहा है तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, आप खुद ही सुनिए। झारखंड की महिला ने रेप का आरोप और कोतवाली थाने में इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि आरोप है और कानून अपना काम कर रहा है। अगर इसी कोई बात होगी तो निश्चित तौर पर सच सामने आ जाएगा, ऐसे मुझे कोई जानकारी नहीं। अगर दोषी होंगे तो कार्रवाई भी होगी, निश्चित तौर पर कानून की बात मैं कर रहा हूँ, दोषियों की कार्रवाई होने वाले पार्टी से पार्टी कार्रवाई करेगी। पार्टी देखिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और जिस दिन उनको संज्ञान में आया था उन्होंने अपना इस्तीफा हमें दे दिया है जी। अभी उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, एक दो दिन में जैसा हम लोग को समझ में आएगा वो तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ। अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।